इस सिरप का उपयोग बच्चों में किया जाता है। इस सिरप का उपयोग बच्चों में अगर पेट दर्द की समस्या रहती है, जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसके पेट में दर्द की समस्या रहती है और अगर उसके पेट में जैसे दर्द की समस्या बना है और पेट दर्द के साथ में अगर बच्चे को बुखार यानी अगर बच्चे को फीवर की भी समस्या है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। ये क्या काम करता है, जैसे अगर बच्चे के जो पेट में दर्द की समस्या रहती है बच्चों में, उस पेट के दर्द को ये ठीक करता है। और अगर बच्चे को बुखार और जैसे कि बच्चों में अगर पेट दर्द के साथ में अगर बच्चे को बुखार की भी समस्या है तो ये पेट दर्द को भी ठीक करता है और जो बच्चे को बुखार यानी फीवर रहता है उसे भी ये ठीक कर देता है। और इस सिरप का यूज क्या है बच्चों में क्या दिक्कत क्या परेशानी रहती है या फिर कौन कौन सी समस्या रहती है बच्चों में, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। या फिर बच्चों में और कौन कौन सी समस्याओं में डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है, इस सिरप का डोज क्या होता है, इस सिरप का साइड इफ़ेक्ट क्या होता है, ये सिरप छोटे बच्चों में कैसे कैलकुलेट करके कैसे कितना एमल कैसे कब देना होता है, कितने टाइम देना होता है, इसके बारे में आज हम आपको हिंदी में जानकारी देंगे। जैसे कि अगर कोई बच्चा है उसके जॉइंट में पेन हो रहा हो या फिर उसके बॉडी में मसल्स में पेन की समस्या हो रहा हो, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग बच्चों में जब बच्चों को बुखार यानी जब बच्चों को फीवर की समस्या रहता है, तब उनके शरीर में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या रहता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। ये सिरप बुखार को कम करता ही है और अगर बच्चे के शरीर में किसी भी कारण से दर्द की समस्या रहता है तो ये सिरप उसे भी ठीक करता है। और जैसे कि यदि कोई बच्चा है उसके दांत में काफ़ी ज़्यादा दर्द की समस्या होता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप दांत दर्द की समस्या में भी पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि अगर बच्चों के कंधों पर किसी प्रकार का दर्द रहता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग जब बच्चों में पेट दर्द की समस्या रहती है, छोटे बच्चे आपने देखा होगा किसी भी कारण से अगर छोटे बच्चों में पेट में दर्द की समस्या हो जाता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा बच्चों के जो पेट में दर्द की समस्या रहता है उसे ठीक करने के लिए डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि छोटे बच्चों में अगर छोटे बच्चे के सिर में दर्द की समस्या रहता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। और जैसे कि इस सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में, जैसे छोटे बच्चों में क्या होता है कि बच्चे खेलते रहते हैं, खेलने के कारण अगर उनके शरीर में कहीं पर किसी भी प्रकार का चोट लग जाता है या फिर शरीर में जख्म की समस्या हो जाता है, तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है, जिससे जो उनकी बॉडी में पेन यानी छोटे बच्चों में चोट लगने के कारण या फिर किसी भी कारण से अगर जो दर्द की समस्या रहता है तो उस दर्द को ये सिरप ठीक कर देता है, यानी जो उसके बॉडी में दर्द की समस्या रहता है उससे ये आराम दिला देता है। जैसे कि इस सिरप का उपयोग छोटे बच्चों में दर्द की समस्या रहती है तब भी आप दे सकते हैं, या फिर किसी कारणवश से अगर बच्चे के पेट में दर्द की समस्या रहती है तब भी दे सकते हैं, या फिर उसके बॉडी में किसी भी प्रकार का दर्द की समस्या रहता है तब भी आप दे सकते हैं। और अगर किसी भी कारणवश से अगर बच्चे के बॉडी में कहीं पर सूजन की समस्या हो जाता है तो ये सूजन को भी ठीक करता है। और जैसे कि अगर किसी बच्चे को बुखार की समस्या रहता है तब भी डॉक्टर के द्वारा ये सिरप पिलाने के लिए दिया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साल्ट के बारे में बताते हैं। इस सिरप में क्या क्या साल्ट पाया जाता है, जैसे कि इसमें मिफेमिक एसिड पैरासीटामॉल पाया जाता है। जैसे कि मिफेमिक एसिड जो होता है ये हमारे बॉडी में कहीं पर किसी भी प्रकार का दर्द रहता है तो उसे ठीक करता है और पैरासीटामॉल बुखार की समस्या को ठीक करता है, अगर बच्चे को बुखार की समस्या रहता है वो भी ठीक कर देता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के डोज के बारे में बताते हैं। इस सिरप का क्या डोज निर्धारित करके डॉक्टर के द्वारा दिया जाता है, जैसे कि जो सिरप का डोज होता है ये डॉक्टर के द्वारा बच्चे की स्थिति, उसकी दिक्कत, उसकी परेशानी और उसके बॉडी वेट और उसके एज के अकॉर्डिंग इस सिरप का डोज निर्धारित करके दिया जाता है। और जैसे कि अगर बच्चा 1 साल से लेकर 2.5 साल के बीच में है, तब डॉक्टर के द्वारा 2 से लेकर 2.5 ml पिलाने के लिए बताया जाता है। और जैसे कि अगर बच्चा 2.5 साल से लेकर 5 या फिर 6 साल का होता है, तब डॉक्टर के द्वारा ये सिरप 5 ml या 5.5 ml पिलाने के लिए बताया जाता है। जैसे कि जो दवा का डोज होता है, ये डॉक्टर अपने एक्सपीरियंस के अनुसार इस दवा का डोज यानी इस सिरप का जो डोज है वो निर्धारित करके पिलाने के लिए बताया जाता है। चलिए अब हम आपको इस सिरप के साइड इफ़ेक्ट के बारे में बताते हैं। इस सिरप का क्या क्या साइड इफ़ेक्ट देखा गया, जैसे कि अगर बच्चे को ये सिरप ओवरडोज की मात्रा में देंगे तो बच्चे को काफ़ी ज़्यादा नींद की समस्या आ सकती है, बच्चे को काफ़ी ज़्यादा एडिटेशन सा महसूस हो सकता है, बच्चे के बॉडी में ईचिंग सा महसूस हो सकता है बच्चे को, और भी बच्चे के काफ़ी ज़्यादा पेट में दर्द की समस्या हो सकती है, बच्चे को नोजिया की समस्या हो सकती है, वोमिटिंग की समस्या हो सकती है। अगर बच्चे को ये सारे साइड इफ़ेक्ट दिखे
तो ये सिरप तुरंत बंद कर दें और अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से तुरंत संपर्क करें। इसके अलावा अगर आपके बच्चे को और कोई दिक्कत और कोई परेशानी है तो एक बार अपने डॉक्टर या फार्मासिस्ट से जरूर संपर्क करें। कभी भी कोई भी मेडिसिन, कोई भी सिरप आप अपने बच्चे को अपनी मर्जी से ना पिलाएं।